कासगंज के शराब माफियाओं के हमले में शहीद हुए आगरा के लाल का पार्थिव शरीर आज आगरा पहुंचा, जिसके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जनसमूह उमड़ पड़ा व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शराब तस्कर के घर वारंट चिपकाने गए उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही और आगरा का लाल देवेंद्र बीती रात शहीद हुआ था। देवेंद्र की शहादत की खबर मिलने के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल देखा गया। शहादत की खबर मिलने के बाद से ही गांव में चूल्हे नहीं जले। शहीद देवेंद्र सिंह के घर पर आसपास के ग्रामीणों का जमावड़ा देखा गया। पुलिस प्रशासन के आला अफसरों के साथ जनप्रतिनिधि भी शहीद देवेंद्र के घर पहुंचे और शहादत को सलाम कर रहे थे। दोपहर शहीद देवेंद्र का शव उनके पैतृक निवास डौकी थाना क्षेत्र के बिंद के नगला गांव में पहुंचा। शहीद का शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम था और आंखों में आंसू बह रहे थे। कुछ देर के लिए शहीद देवेंद्र के शव को उनके पैतृक निवास पर रखा गया, जहां बारी बारी से ग्रामीण और उनके परिवारजनों ने शहादत देने वाले आगरा के जाबाज देवेंद्र के आखिरी बार दर्शन किए। घर से चंद कदमों की दूरी पर शहीद देवेंद्र के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी की गई। आगरा जिले रेंज और जोन के पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों ने शहादत देने वाले शहीद देवेंद्र को सलामी दी। राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। देश की आन बान शान तिरंगे में लिपटे शहीद देवेंद्र का शव उनके खेत की ओर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस घटनाक्रम में सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि बुढ़ापे की लाठी कहे जाने वाले पुत्र के शव को एक पिता कंधा दे रहा था। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज आगरा में शहीद देवेंद्र सिंह के शव को मुखाग्नि दी गई। इस मौके पर पूरा गांव शोकाकुल हो गया था। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। बहुत दुखद है। सरकार को उनके परिवार वालों से बात करके परिवार की जो जो जरूरतें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। सरकार का आभार कि उन्होंने शायद मुआवजे की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन और भी जरूरतें हैं। जैसे अभी ये देवेंद्र था बेचारा, अपनी बहन की शादी की डेट पक्की हो चुकी है उसकी और पूरा इंतजाम करके यहाँ से गया था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो परिवार की जो जरूरतें हैं उनके बारे में परिवार वालों से जानकर जरूरतों को जरूर सरकार पूरी करे, और जो दोषी लोग हैं उन्हें बिल्कुल बिकरू कांड जैसी जैसे बिकरू में हुआ उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। वो तो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है प्रदेश में, अगर ऐसे लोगों को माफियों को सख्त सजा मिलेगी तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं।